जर्मनी के वैज्ञानिक ऐसे एयरशिप के कॉन्सेप्ट को तैयार कर रहे हैं जो विमान से ज्यादा बेहतर और लग्जीरियस होगी। आमतौर पर एयर ट्रैवल के लिए इस्तेमाल होने वाले जेट कार्बन उत्सर्जन करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके विकल्प के तौर पर एयरशिप लाई जा सकती है। जानते हैं कि एयरशिप को विमान से बेहतर क्यों बताया जा रहा है और ये कैसे काम करेगी। पहला, वैज्ञानिकों के मुताबिक एयरशिप में हल्के वजन वाली बैटरियों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये हाइड्रोजन और हीलियम से लैस होंगी, जो दूसरे जेट या विमान के मुकाबले 1-5% तक की कार्बन उत्सर्जन करेंगी। इस तरह विमान यात्रा के दौरान कार्बन उत्सर्जन को घटाने के साथ भविष्य में इसके खतरों को भी कम किया जा सकेगा। दूसरा, इस एयरशिप के लिए परंपरागत ईंधन नहीं बल्कि सोलार एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि वर्तमान में जो तकनीक मौजूद है वो एयरशिप के उड़ान भरने पर इसकी बैटरी को चार्ज करने का काम करेगी। एयरशिप को चार्ज करने के लिए इसकी सतह पर सोलर फिल्म लगाई जाएगी। तीसरा, वैज्ञानिकों का कहना है कि बेशक एयरशिप यात्रियों को लग्जरी सफर का एहसास दिलाएगी और कार्बन उत्सर्जन को भी घटाएगी, लेकिन ये यात्रा के समय को बढ़ाएगी। यही इसकी एकमात्र खामी है। आसमान में तेज हवाओं के कारण एयरशिप विमान यात्रा के मुकाबले ज्यादा समय लेगा, जैसे ये लंदन से न्यूयॉर्क के बीच का सफर 2 दिन और 1 रात में पूरा करेगा। चौथा, एयरशिप में करीब 100-200 यात्री सफर कर सकेंगे। हालांकि ये निर्भर करता है कि ये कितनी दूरी तय करेगा। वर्तमान में सोलर एयरशिप मौजूद नहीं है, लेकिन कैलिफोर्निया की कंपनी बड़े स्तर पर इसे तैयार करने के लिए निवेश कर रही है। पांचवा, प्रोफेसर क्रिस्टोफर कहते हैं कि अगर हम सोलर पावर से लैस एयरशिप पर निर्भरता को बढ़ाते हैं तो हवाई यात्रा क्लाइमेट फ्रेंडली बन जाएगा। इससे खर्च में कमी आएगी और यात्रियों को कम लागत में हवाई यात्रा का सफर कराया जाएगा। रिसर्च कहती है कि इस तकनीक से हवाई सफर को बढ़ावा देने पर ट्रांसपोर्ट की लागत के साथ कार्बन का उत्सर्जन भी घटेगा। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।